सर कोई पांच सौ सवाल आ गए आज मैं अपनी कोई बातें नहीं करूंगा मैं सिर्फ लोगों के सवाल पूछूंगा बट जिस तरह आपने कहा कि ये किसी और दुनिया में होता तो दिस वुड हैव बीन ब्रेकिंग न्यूज बट बेंथम साइंस पब्लिशिंग पे जो लोक सिराज ने एक्सपोजे किया है एंड बदर साहब मेरे ख्याल से वहाँ पे एडिटर है मेरे पुराने एडिटर भी हैं सो दे कीप डूइंग दिस ब्रिलियंट वर्क बट डॉक्टर रहमान कैसे हर दफा बच के निकल जाते हैं वाई इज नथिंग हैपनिंग टू हिम डिस्पाइट सो मच एविडेंस पाइलिंग अप अगेंस्ट हिम भाई उनके लगता है कि बहुत लंबे हाथ हैं यहाँ तक के जो भी अरबाब इख्तियार हैं अरबाब इकतदार हैं उन तक वो पहुँच पाते हैं पहले जनरल मुशरफ़ के पास फिर इमरान ख़ान के पास इमरान ख़ान के पास तो कुछ महीने पहले पहुँचे और ये कहा कि मेरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इन पर कोई ऑडिट नहीं हो सकता कोई हिसाब किताब वहाँ लेने के लिए आ नहीं सकता और अभी जो आप बता रहे बेंथम बुक्स का ये तो हमें सालों से पता था ये एक इशाती इदारा है बेंथम साइंस पब्लिशर्स के नाम से तो ये साइंस की किताबें छापते हैं प्लस ये साइंस के जर्नल्स निकालते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं ओपन सोर्स का मतलब ये कि कोई भी इनमें छाप सकता है अनशन कहने को तो रेफरिंग होती है होती नहीं है और इसमें लोग अपने मजामी छपवाते हैं मजामी क्या इधर से नकल किया उधर से किया और कोई इस पर रेफरिंग नहीं होती कहने को होती है लेकिन असल में नहीं होती और उसकी दलील ये है कि लोगों ने कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से भी पेपर्स लिखवाए हैं जिसके अंदर होती है, गार्बेज होता है सिर्फ यह कि अल्फाज मोटे मोटे उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो बस वो निकल जाता है सिस्टम से अब वो छपवाने के लिए आपको 700 डॉलर से लेकर 1100 डॉलर तक देने होते हैं और ये जाते हैं इस इदारे के मालिकान की, की जेबों में उन मालिकों में रहमान भी थे और सालों से बरसों से ये धंधा चला रहे और तो और आपने ये देखा होगा कि वो जो लोक सुझाग वाला मजमून था जो कि अब वायरल हो गया है और बजा तौर पर उसमें ये पता चला कि इनके चार बेटे भी शामिल हैं क्योंकि ये बेंथम साइंस पब्लिशर अपना बोर्ड तो नहीं लगा सकता था आखिर वो ये कहते हैं कि उनका यह कहना है कि हम एम्सटरडेम से छापते हैं तो जो अतावर रहमान के सीवी के ऊपर लिखा है फला किताब फला किताब ब्रैकेट्स में होता है बेंथम साइंस कॉमा एम्स्टरडैम अच्छा किसी को क्या पता कि वो असल में कराची से छप रहा है और कराची से यूं छप रहा है कि क्योंकि वो बोर्ड नहीं लगा सकते थे अगर बोर्ड लगाते तो वहाँ एफ बी आर पहुँच जाता फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो उससे बचने के लिए रहमान के बेटों ने कोई कंपनी बनाई और फिर अपने बाप के इदारे को किराए पे दे दी और ये सालों से चलता आ रहा है एडिटर इसका कौन था ए, 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 कुछ जर्नल्स का एडिटर इनका शागिरद था इकबाल चौधरी इकबाल चौधरी ने भी दर्जनों किताबें छापी सैकड़ों पेपर छापे और इतना बड़ा बन गया कि उसने फिर इस्लामिक साइंस का कोई अवार्ड है वो जीत लिया, फॉर हाफ अ मिलियन डॉलर्स वाओ। पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं ये किसी ने सवाल भी पूछा बिलियन डॉलर इस जालसाजी से इकबाल चौधरी ने कमाया है और इकबाल चौधरी अताउर रहमान का क्या कहो उसकी नाक का बाल है उसका शागिर्द है उसके साथ पीएचडी की एच इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना और अब भी है और ये बीस साल से धंधा चला आ रहा है कोई कुछ कहे तो उसे चुप करा दिया जाता अब तो मैं अब आप पूछते हैं कि ये कैसे हो सका भाई ये पाकिस्तान है यहां इस चीज को मायूब नहीं समझा जाता ना हाँ आपने रोजा नहीं रखा तो वो बहुत बुरा समझा जाता लेकिन ये खुल्लम खुल्ला चोरी दिन दहाड़े डाका और ये सारे लोग छूट जाते हैं और अब तो कोई शक की गुंजाइश भी नहीं रही <laughs> पता नहीं शायद फॉरेक्स आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं अगर कोई आर्टिकल पढ़ेगा उसमें लिटरी कोलंबिया के एक प्रोफेसर हैं जो कहते हैं मैंने ऑटो जनरेट करके टेक्स्ट भेज दिया और ये भी वाजे करने के लिए कि ये झूठ है मैंने उस पर सेंटर ऑफ रिव्यू ऑफ अप्लाइड फिनियोलॉजी लिख दिया ताकि वो क्रैप बने फिर भी इनको समझ नहीं आई इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बोला आप सात सौ डॉलर दे दें हमने पीयर रिव्यू करवा लिया सिंस आपने इकबाल चौधरी का जिक्र किया था किसी ने स्पेसिफिकली यही सवाल पूछा था अजहर हैं डॉक्टर इकबाल चौधरी जिनका नाम बेंथम स्कैम और डॉक्टर अताउर रहमान के साथ इंक्लूड किया जा रहा है तो वो लास्ट ईयर मुस्तफ़ा प्राइज दिया गया है जिनको मुस्लिम वर्ल्ड का नोबल प्राइज कहा जाता है तो पूछना यह था कि क्या इस प्राइज को साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई इंपॉर्टेंस हासिल है और डॉक्टर इकबाल चौधरी के प्राइज किस काम पर दिया गया है भाई मैं इसी का जिक्र कर रहा था ना मैं नाम भूल गया था ये जिसका मुस्तफ़ा प्राइज जो है लेकिन मुझे रकम याद रह गई इट इज फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स आ वो कितने करोड़ रुपए बने आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए तो ये जनाब लोगों के इल्म में है कि यहाँ धानली दर धानली दर धानली होती चली आ रही है अच्छा और तो और आ, के इस इंस्टीट्यूट ने और ये तीन इंस्टीट्यूट्स हैं जो जुड़े हुए हैं एक ये आईसीसीबीएस के नाम से आप इनका जो एनुअल रिपोर्ट है वो खोल कर देखें और ये वेब पर इंटरनेट पर दस्तियाब है बस उसमें में डालें और आपको इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मिल जाएंगे फॉर ट्वेंटी 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 नाइनटीन और उसके पिछले सालों का और शायद ट्वेंटी ट्वेंटी वन का भी अब आ गया हो तो वो मैंने एक दफ़ा खोल कर देखा तो पता चला कि चौबीस किताबें अताउर रहमान ने छापी हैं बेंथम बुक्स के नाम से एक साल के अंदर कैन यू इमेजिन वन ईयर ट्वेंटी बुक्स बुक्स बाई एंड थ्री बुक्स बाई कोई और पब्लिशर है एल्सवियर के नाम से सत्ताईस किताबें इसने अपने नाम से छापी हैं या एडिट की हैं अच्छा अब चलिए उन एडिट ही सही जब आप कोई किताब एडिट करते हैं ना तो बहुत बारीक बीनी से उन मजामी को देखते हैं उनको छानते हैं पटकते हैं देखते हैं कि रेफरेंसेस ठीक है नहीं कि इसका जो कंटेंट है वो वही है जो होना चाहिए क्या इसमें हवाला जात कोई गलत तो नहीं दिए गए इतन, और फिर ज़बान फिर और तो और वो कॉपी एडिटिंग की के मसले तो अलग होते हैं लेकिन इनको पढ़ना मुझे ये बताएं 27 किताबें और ये चार चार 500 सौ की और जो टेक्निकल नौत की हैं, जब हम कोई फिजिक्स का पेपर देखते हैं तो एक सफा पढ़ने में ठीक तरह से पढ़ने में आराम से पंद्रह मिनट आधा घंटा दो घंटे तक लग सकता डिपेंड करता है कि आप उसको किस बारीक बीनी से देखते हैं वो शख्स जो दुनिया के और हर काम भी करता है, सताइस किताबें यूं छापनी एडिट ही सही पता नहीं शायद ये भी दावा करते होंगे उन्होंने लिखी भी है और तो और उसके अलावा तीस चालीस पैंतीस पेपर्स, जबकि खुद कभी लैब में जाते ही नहीं है हाउ इज दिस पॉसिबल तो ये खुल्लम खुल्ला फ्रॉड होता रहा है और आ... नहीं, नहीं। मैं क्या बताऊं कि जो इधर साइंस इस इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसे है ना कि हर एक इस कुछ हेरा फेरी में खुद लगा हुआ है तो वो अगर इस पर कुछ शोर मचाएगा तो कोई उसकी टांग खींच देगा तो फिर उसे चोट लगेगी तो फिर

Uh, अगर आपका मतलब है कि रेगुलर uh, नहीं, नहीं लिख रहे न्यूज़ पेपर नहीं, नहीं वो देखे ना uh, मैं डॉन में हर तीन हफ्ते बाद लिखता हूँ कभी जद्दोजहद में लिखता हूँ uh, मगर और कुछ किताबों के लिए चैप्टर्स लिखे हैं साइंटिफिक पेपर्स अनफॉर्चुनेटली मैंने आखिरी पेपर जो है साल पहले लिखा साइंटिफिक पेपर्स के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए वो मेरे पास नहीं आई हैव डन साइंस फॉर सेवेंटी ईयर्स बहत्तर साल का हूँ एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टू कम्पीट इन द वर्ल्ड ऑफ हाई साइंस अकेले होते हुए पाकिस्तान में तो अगर ये सवाल है कि मैं अब रिसर्च पेपर्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ बस साल पहले मेरा ख़्याल है मैंने अपना आखिरी रिसर्च पेपर लिखा और ये सोच कर कि अब अगर मैं लिखूंगा तो हर रिसर्च पेपर के ऊपर मेरे तीन महीने से लेकर छः महीने की मुकम्मल मेहनत लगती है और क्योंकि साइंस की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे निकल गई है देखिए सच्ची बात यह कि अब स्ट्रिंग थ्योरी में पार्टिकल फिज़िक्स में जिस रफ्तार पे काम हो रहा है और इसमें जितने अच्छे यंग लोग हैं तो अब हमें थोड़ी सी इजाज़त मिलनी चाहिए जवानों को पीरों का उस्ताद कर हाँ जवानों नी? को जवानों का वक्त आ गया है किसी कि ने ये भी पूछा व्यूज ऑन मसाइल अब उठाएं कोई पूछे व्यूस रहे हैं व्यूज ऑन स्ट्रिंग इकोनॉमी मेरा मेरा नहीं है स्ट्रिंग थ्योरी ही पूछ रहे हैं और शायद इनसे टाइपो हो गया है स्ट्रिंग इकोनॉमी तो कुछ नहीं होता ना इकोनॉमी हाँ आई थिंक टाइपो है स्ट्रिंग थ्योरी पूछ रहे होंगे Uh, खूबसूरत अच्छा, चीज है बहुत उमदा है इसको पढ़ के जो मजा आता है वो और किसी चीज से नहीं आता क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें जम हो जाती है पार्टिकल फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है हमें पता है कि वो उसमें कहीं पर छुपा हुआ है लेकिन उस तक पहुँचना अब तक मुमकिन नहीं हुआ बहुत बड़े बड़े जहन इसके ऊपर लगे हुए हैं और लगे रहेंगे अगले 20 साल तक लेकिन स्ट्रिंग थियरी से हनोज कोई ऐसी चीज़ निकल नहीं पाई है जिसे हम कहें कि नई प्रिडिक्शन है हाँ आ, कुछ आइडियाज़ बड़े अच्छे उससे आए हैं, ये कि ग्रेविटी आ, लार्ज डिस्टेंसेस पे या स्मॉल डिस्टेंसेज पे न्यूटोनियन ग्रेविटी से हट के है मगर अब तक कोई

अगर आप यहाँ आना चाहते हैं आपकी अगर खुशकिस्मती है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अब तो अच्छी यूनिवर्सिटी भी कोई नहीं रही लेकिन हो सकता है कि जब कोई जाए बाहर और वापस आए उस वक्त तक कुछ हालात बेहतर हों लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ अच्छी फिज़िक्स खोल रही है आप, तो फिज़िक्स आपका शौक़ है तो आप फिर जी अगर फिजिक्स से आपका शौक है तो खुद से पढ़ें इससे लुत्फ उठाएं और फिर बाहर जाने की कोशिश करें और फिर बाहर जाकर अगर हालात मुनासिब हुए तो आप वापस भी आ जाए हाउ टू बैन टीचिंग मशरूत साइंस हाउ टू बैन टीचिंग मशरूत अलूम मुझे भी नहीं बताइए मशरूत मशरूब इल्मो का مشروب क्या मतलब आई थिंक प्रोबब्ली ये पूछ रही हैं कि जो नो नॉन साइंटिफिक चीजें पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाई जाती हैं साइंस हां दो तो साइंस हाँ, जो है अरे भाई जो अनशन पढ़ाए उसकी छुट्टी करा दो <laughs> तो फिर और लोग थोड़ा सा डर जाएंगे इतनी ज्यादा गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और देखें ना बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ साइंस दुश्मनी है हम नहीं मानते साइंस को हम समझते हैं कि सब कुछ बस हुक्म इलाही से होता है तो हमें और कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं हमें फ़िज़िक्स के कानून और उनका इतलाक़ जानने की ज़रूरत ही नहीं बस इधर जिनों से काम लिया जा सकता है तो जो कॉज एंड इफेक्ट का जोड़ है वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं अब आ, 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 बात यह कि जो समाजी माहौल है यहाँ पर वो साइंस के लिए साजगार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आइंदा ऐसे नहीं होगा लेकिन फिल वक्त ऐसे है इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज इज एडवाइस टू रिलीजन इन देयर लाइफ भाई देखें जो जिस चीज से आपका दिल खुश हो वो करें लेकिन ये जाने के जो दुनिया के मामलात हैं वो साइंस ही उसके साइंटिफिक रीजंस ही होते हैं तो बेशक आप अब ये दुआ कर लें कि ईद के दिन बारिश हो या ना हो, हो सकता है कि बारिश हो सकता है ना हो लेकिन ये मौ, जो मौसम के पैरामीटर्स हैं वो तय करेंगे अगर जलजला आता है तो वो इसलिए कि जमीन के नीचे जो कुतें हैं जो फिजिक्स समझ सकेगी किसी दिन उसकी वजह से है तो और देखें जो बीमारियां होती हैं अब कोविड लोगों ने ये कहा कि ये कोई अजाब लाही है लेकिन uh, सच्ची बात यह है कि एक वायरस था उस वायरस का तोड़ फिर हमने निकाल लिया सो द प्लेस ऑफ़ रिलिजन इज़ दैट ये अपने दिल को खुश करने वाली चीज़ है और बहुत ज़रूरी है कि दिल को खुश रखा जाए क्योंकि अगर कोई अपने आप को uh, बिल्कुल uh, बेराव बे का शिकार समझता है वो समझता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं कि अरे आ, मुझे तो बस अपने आप को जाके ख़त्म कर देना अगर वो मज़हब का सहारा ले तो बहुत अच्छी बात है मज़हब से लोगों को सुकून मिलता है सुकून मिलना अच्छी चीज़ होती है अब यह है कि जो जिस मज़हब में पैदा होता है वो उसको सच्चा समझता है तो ठीक है ठीक है हिंदू अपने आप को सच खुदा के खुदाओं के नज़दीक समझता है हम समझते हैं कि हमारे लिए जन्नत में जगह मखसूस है यही बात क्रिश्चियंस के ऊपर है अच्छा मैं आपको एक एक बात सुनाऊँ सच्ची बात है तो ऐसे था कि जब मैं एम गया मेरी उम्र उन्नीस साल थी मेरा रूममेट था उसका नाम था डोनाल्ड राइला आर ए आई एल ए तो बड़ा प्यारा लड़का था और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था रातों को जब वो Uh, सोने से पहले दुआ मांगता था तो एक दिन मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं मैंने पूछा डोनाल्ड व्हाट्स द मैटर जब उसने दुआ कर ली मैंने पूछा डोनाल्ड व्हाट्स द मैटर कहता है परवेज आई रियली लाइक यू बट यू आर गोइंग टू गो टू हेल मैं कहा व्हाई इज इज बिकॉज यू आर नॉट अ क्रिश्चियन बोल हर एक जो है ना वो अपने आप को रास पे समझता है क्योंकि वो उसी का होता। And it's so interesting कि हम जब दूसरे को देखते हैं तो हमें वो चीज क्लियर हो जाती है अगेन बट रिलीजन के बिना पर अगर इंडिया में कुछ लोग गाय के साथ कर रहे हैं इट्स वी कैन सी हाउडो साइंटिफिक कुछ आ, उन्होंने ये भी बोला था कि गाय का उत्तर पीने से आपका कोविड ठीक हो जाएगा लेकिन अगर पाकिस्तान में इस तरह की ही चीजें जो इस्लामिक नहीं है बट इस्लाम के नाम पर हो रही है तब हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं सो दूसरा जब रिलीजन के नाम पे सूडो साइंस कर रहा है वो हमारे लिए क्लियर है लेकिन जब हमारे मजहब के नाम में होता है तब हम चुप हो जाते हैं हाँ हाँ और मौलाना तारिक जमील की बातों को हम खूब सराहते हैं हम कहते हैं वाह वाह क्या ये इसका क्या गहरा इल्म है और सच्ची बात यह कि जब मौलाना साहब मुसीबत में मुबला होते हैं तो वो भी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और ये आपको पता ना कि उनका उनकी हार्ट सर्जरी हुई तो बजाय अजूर ये ख, खजूर अजवा खजूर खाने के उन्होंने हस्पताल में जाके स्टेंट लगा दिया अब स्टेंट किसकी की है यहूदियों की है क्रिश्चियनों की है वो मौलाना तो, साहब कहते हैं कि इस्लाम नहीं बदल सकता पार्टी तो बदल सकती है जो भी पार्टी हुकूमत में आए मौलाना साहब की लॉयल्टी बदल जाती है माशाल्लाह तो, माशाल्लाह जी बदलती हैं और कारोबार पे कोई हर्ज नहीं आता है उनका बुटीक सही चल रहा होगा क्या नाड़े की क्या कीमत है

सिंस हम इसी टॉपिक पर हैं हमारे एक म्यूचुअल दोस्त हैं उन्होंने मुझे आपका खत भी भेजा जो आपने डॉक्टर खालिद जहीर को लिखा था जब उन्होंने बोल आपने मेरे ख्याल से लम्स में जिक्र किया था कि दुआ होने से बारिश नहीं होती तो फिर वो नाराज हो गए थे फिर आपने एक रिटॉर्ट उनको लंबा सा लिखा बहुत पुरानी बात है हाँ ये बात सही है आ, बिल्कुल बात दरअसल ये है कि अब देखें बारिश तो इस इस तरह से होती है कि सूरज की गर्मी से बुखारात उठते हैं उससे बादल बनते हैं बादलों में फिर पानी भरा होता है जो जो बरसता है जब हालात मेटेरोल मीटरोलॉजिकल हालात मुनासिब होते हैं तो अब इस बात को हम यहाँ तक समझ सकें हैं कि मेटेरोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं हर मुल्क में पाकिस्तान में भी वेदर प्रिडिक्शन जो कि एक जमाने में हराम समझा जाता था हराम क्योंकि कहते ये थे कि सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जान सकता कि कब बारिश होगी और कितनी होगी और इसीलिए नमाज इस पढ़ी जाती है आज भी जब जब खुशसाली होती है तो ये जो साइंस से पहले के ज़माने थे ना उसमें जब हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं था तो उस वक्त हम समझते थे कि हाँ ऊपर वाले से ऐसी अगर अल्तजा की जाए तो फिर मौसम बदल जाएगा हमारे कहने पर बदल जाएगा और ये देखें सिर्फ आ, हमारे यहाँ नहीं होता सिर्फ मुसलमानों में नहीं होता ये ये बात होती थी रेड इंडियंस की वो जो ओरिजिनल अमरीका नॉर्थ अमेरिका के आ, मकीन थे उधर के रहने वाले थे तो वो वो रेन डांसेस भी करते थे हिंदुओं में भी वो आ, इसी तरह की कोई है यागना पता नहीं क्या उसको कहते हैं तो यह हर तहजीब में था हर मज़हब में लेकिन साइंस से पहले की बात है अच्छा बड़ी से दिलचस्प बातें निकलती हैं मिसाल के तौर पर मैं अगर दुआ करूं अल्लाह से या रब बारिश दे और साथ वाले इलाके में लोग बारिश से परेशान हो कि उधर बहुत ज्यादा होती है उधर सैलाब आ जाएगा तो फिर अल्लाह किसकी बात सुनेगा ये बड़े मसले और इसीलिए इस... इसका कोई हल नहीं है हो। देखे होता दे... ये है कि जो मादी हालात है जो फिजिकल रियलिटी है वो तय करती है कि बारिश होगी कि नहीं होगी और वो डॉक्टर खालिद शायद इस बात से इस इसको कबूल नहीं कर रहे थे उस वक्त उम्मीद है कि दस साल बाद या कितने साल हो गए नहीं उससे ज्यादा हो गए ये 2003, की बात है हाँ हाँ, हाँ, हाँ। तो तकरीबन उन्नीस साल हो गए हैं सर इसमें हमें तफरीक भी करने की जरूरत नहीं वॉट इज समय जो कस्टम्स होते हैं

ये कहना कि वो ग़लत हैं या मैं गलत हूँ ये तो नुत नज़र की बात है लेकिन जो गज़ाली की सोच है ना वो सरायत कर गई वो फैल गई पूरे मुसलमानों में माँ सिवाय चंद एक के और वो ग़ज़ाली की सोच तो आज भी हमें दिखाई देती है कि हर काम से पहले हम कहते हैं कि इन ऐसे होगा अल्लाह की मर्ज़ी होगी तब ही ये चीज़ हो सकेगी तो आप ये देखते हैं कि जब पी की परवाज टेक ऑफ के लिए तैयार होती तो उससे पहले दुआ पढ़ लेते हैं और हर मौके पर इंशाला कहते हैं जबकि दूसरी एयरलाइंस जो दुनिया की दूसरी एयरलाइंस हैं विच इज़ 99% ऑफ फ्लाइट्स वहाँ कोई चीज ऐसी नहीं होती अब दोनों का एक्सीडेंट रिकॉर्ड आप देख लीजिए तो कोई फर्क नहीं है लेकिन बात यह है कि गजाली इसमें कसूरवार हो या ना हो जो गजाली की सोच थी ना कि सबब और मुसब का ताल्लुक नहीं है कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है वो बात तो अपनी जगह पे कायम है अब आप देख लीजिए कि इब्ने रोश्त जिसने तहफ्त अल तहफ्त किताब लिखी थी दिस वाज रिप्यूटिएशन ऑफ द फिलासफर्स रिप्यूटिएशन ऑफ द रिप्यूटिएशन ऑफ द फिलासफर्स तो उसमें वो ये मिसाल देते हैं कि गजाली का ये कहना है कि जब आप रुई को कपास को माचिस से माचिस उसके नजदीक लगाते हैं और उसको आग लगती है तो असल में ये माचिस नहीं है जिसने उस रुई को आग लगाई ये असल में फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं और ये फरिश्ते हैं जो ये काम करते हैं और गजाली ने मजीद ये कहा कि आप मुस्तकबिल की पेशन गोई नहीं कर सकते यू कैन नॉट एवर प्रिडिक्ट एनीथिंग और बड़ी मशहूर मिसाल है उनकी के एक तीर है वो तीर अपने हदफ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है अब बहुत नजदीक आ गया इतना नजदीक बस आप कहते हैं ये लगने वाला है लगने वाला है लगने वाला मगर ये अल्लाह की मर्जी है कि वो लगे ना लगे तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी थिंग अकॉर्डिंग टू गजाली और इसमें दो राय तो है नहीं ये तो उनकी किताबों के अंदर दर्ज है असद अहमद जो भी कहें, कहेंट रियली मैटर ये गजाली की अपनी तहरीर उनकी अपनी राइटिंग्स में है और आज मुसलमान इस बात को कबूल करते हैं नहीं तो हम हर चीज में इंशाला ना कहते ना इनशाला का मतलब है कि अल्लाह की अगर मर्जी हुई तो ही ये होगा अल्लाह की मर्जी हुई तो आप कोविड से बच जाएंगे अल्लाह की मर्जी हुई तो ये पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी है कभी-कभी आपने दुआ का जिक्र किया, न्यूज़ीलैंड की टीम हाका करती है, बाकी वो नहीं पढ़ते वो कोई और दुआ पढ़ते होंगे टेकिंग मेटाफिजिकल फिलोसफी एंड यू नो जिस तरह प्लेटो की रिपब्लिक भी है वो

पॉलिटिकल फिलॉसफी की तो नहीं बात कर रहे ना क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी डज नॉट एग्जिस्ट इन इस्लाम वो तो है ही नहीं इसलिए कि रियासत स्टेट का जिक्र ही नहीं कुरान में ना हदीस में बाकी बाद में लोगों ने जी जी। जो गलत निकाला है वो अपनी जगह पे लेकिन देर नो पोलिटिकल फिलासफी इन इस्लाम जहां तक मेटाफिजिक्स का ताल्लुक है मेटाफिजिक्स में आप अगर आप मिसाल के तौर पे आपने प्लेटो का जिक्र किया प्लेटोज थियोरी ऑफ फॉर्म्स के आ, कोई कहीं पर दूर तखयल में कोई परफेक्ट चीज़ एग्जिस्ट करती है जैसा कि अब आ, हमें एग्जैक्टली exactly ये डिफाइन करना नहीं आता ना कि कुत्ता क्या है या कुर्सी क्या है क्योंकि इतनी मुख्तलिफ मुख्तलफ़ की कुर्सियाँ होती हैं छोटे कुत्ते होते हैं बड़े होते हैं कुछ के बाल होते हैं कुछ के नहीं होते कुछ की दुमे लंबी होती वगैरह वगैरह तो एक आइडियल कुत्ता है एक आइडियल कुर्सी है कहीं पर ऐसी बातें तो इस्लाम में नहीं है मुस्लिम फ़िलासफ़र्स मुफ़िर वो ग्रीक सोच को लेकर उन्होंने इससे कोई नए नए पहलू निकाले हैं जैसे कि अलकिंदी ने या अलराजी ने अलराजी ने ख़ास तौर पर कि रूह को क्या होगा इसको ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल कहते हैं लेकिन अलराजी को आप ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामिक फिलॉसफी आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम फिलॉसफी ये दोनों में बड़ा फ़र्क़ है ना इस्लाम में फिलॉसफी नहीं है मुसलमानों में है जिस तरह साइंस इस्लाम में नहीं है मुसलमानों में है सर इस तरह के सेंट ऑगस्टीन की हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं यू वुड आल्सो से अ टफ फेयर टू कॉल दैट क्रिश्चियन फिलॉसफी सॉरी आई डिडंट गेट अगर get... हम सेंट ऑगस्टीन को पढ़ रहे हैं हां तो वो क्रिश्चियन फिलॉसफी नहीं कहलाई खे, जाएगी वो दे, देखें इसमें यह है कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी रिडिफाइन हो सकती है वक्त के साथ तो आप इसको शायद क्रिश्चियन थियोलॉजी कह सकते हैं इसलिए कि देखें पोप को यह हक हासिल है कि वो न सिर्फ इंटरप्रेट करे लेकिन वो नई सच्चाइयां बयान करे पोप इज इनफेलेबल वो कोई गलती नहीं कर सकता तो इस्लाम में कोई पोप नहीं है इस्लाम में अह uh, इज्मा भी इज्मा भी दैट तो अगर हम कहते हैं कि इज्मा अगर इवन इफ आई मीन अगर मस्वाकियोल की आप थ्योरी पढ़े हैं इवन अहमद कोरू की पढ़े दे वुड से कि इज्मा अगर इवन ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाता है एंड देयर अ सेइंग बाय तो वेमा वही तो अगर डेमोक्रेटिकली हम सारे बैठे हैं अगर, आ आ आ, उसके लिए अगर हमें कुछ करना है सारे हो कि ये करना है it it well, I, I, I जो में ना हो जो हदीस में ना हो आप कैसे कहेंगे कि वो इस्लामिक है और अगर हदीस में भी है तो लोग उस पर लड़ेंगे झगड़ेंगे कि क्या ये मुस्त हदीस है कि नहीं जो चीज़ कुरान में नहीं है उसको फिर आ, आप इस्लामिक तो उससे आपका दिल होश होगा बट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू बट इजमा इज ऑफ इस्लाम राइट वेल यस बट द रूल्स ऑफ इजमा आर नॉट डिफाइंड आपके आपकी मजलिस के अरकान कौन होंगे क्या उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से तय हैं, उन्हें कौन मुंतब करेगा तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर वोट इन इस्लाम अगर है तो मुझे बताएं, फिर तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाते से मुतालिक वो. लेकिन ऐसा नहीं है वी डोंट नो वट ए मजलिस वट द पावर्स ऑफ अ मजलिस आर

का जमाना भी हमें याद है जब जमात इस्लामी इस बात अड़ी हुई थी फोर फ्रंट पे थे के, उसमें भी थे अभी पॉडकास्ट पे इब्राहिम काजी आए हुए थे जो काजी साहब के ग्रांड सन है उन्होंने पॉडकास्ट पे आके खुद एक्नोलेज किया पे हनफी स्कूल में ब्लासमी नहीं लग सकती ये काजी साहब के ग्रैंड सन पॉडकास्ट पे आके कह रहे हैं जबकि जमीत इस्लामी ने इसके बरक्स लॉ बनवाया है पर अगर पाकिस्तान में मैं जाके ये कह दूं कि जो इस्लामिक जो लॉ पाकिस्तान का है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो पाकिस्तानी फॉलो करते हैं उस पर ही नहीं आता कुरान और इस्लाम के प्रिंसिपल से दे दूं मैं आपको सिर्फ सच बताऊं आई हैड टर्कश मुस्लिम ऑन द पॉडकास्ट हु बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड वर लाइक आर यू श्योर वी कैन टॉक अबाउट द कुरान नोइंग पाकिस्तान तो वो इस बात से डर रहे हैं कि वो कुरान की बात एक इस्लामिक मुल्क जिसको हम कहते हैं उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। तो क्या हो रहा है? कि आपने पॉडकास्ट सुनी मरियम चुख्ताई भी आई हुई थी उन्होंने काफी vehemently defend किया, but कोई पूछ रहे हैं सी है। इससे कोई बराबरी नहीं आएगी जो स्कूलों में फ़र्क है एक तरफ एच एस एन कॉलेज है तो दूसरी तरफ़ जो गली के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो बराबर नहीं होंगे इससे लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि अगर आप करिकुलम वही बनाते हैं जो मदरसों के लिए और आम स्कूलों के लिए एक है तो इसमें फिर आप आप इस पूरे लेवल को इस क़दर नीचे गिराएंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे गिरा हुआ लेवल है अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करें तो हमारे पास जो रीडिंग राइटिंग एनालिटिकल स्किल्स हैं वो शायद अफ्रीका के मुल्कों से भी नीचे है अब 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 अगर आपने मदरसों के लेवल पे दूसरे स्कूलों को पहुंचाया तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे कि हमारा क्या बनेगा वैसे ही हम जा के दूसरे मुल्कों में जो सबसे लो लेवल की नौकरियां हैं वही करते हैं हाँ जो ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज मिलता है उससे वो बहुत बड़ा है उस पर हम खुश होते हैं लेकिन कहीं दूसरे मुल्क में जाकर झाड़ू देने से या उनके लिए खाना पकाने से या उनकी टैक्सियाँ चलाने से अगर आप ये कमाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बहुत फख्र करने की बात है पाकिस्तान में से जो इंजीनियर निकलते हैं किसी मल्टीनेशनल में जाके लग जाते हैं लेकिन उसमें कोई नया काम नहीं होता नथिंग इनोवेटिव तो झे कि मैं एस एन सी के खिलाफ इसलिए हूं कि इससे टेक्निकल स्किल्स हमारी बहुत घट जाएंगी आखिर जब आप दूसरा मवाद इतना ज्यादा पढ़ाएंगे उनको यानी कि उनको न सिर्फ कुरान की आयतें याद करनी है अरबी में मगर उर्दू में भी हदीस याद करनी है फिर दुआएं याद करनी है ये करते करते फिर खोपड़ी में जगह कहां रहेगी वक्त कितना रहता और तो और देखे ये जो डंडा लेकर मैजिस्ट्रेट और पुलिस निकले हैं की स्कूलों में और जबरदस्ती ये कुरान पढ़ा रहे हैं वहां पर ऐसे होता है आखिर हुआ क्या है हमें? क्या इससे हमारे अखलाक बेहतर होंगे जितनी चोरी चकारी करप्शन यहां पर है पाकिस्तान में है वो है बावजूद इसके कि हम उनके दिमाग मजहब से शुरू दिन से भर देते हैं भरते चले जाते भरते चले जाते हैं लबरेज हो गया वहां कानून में से निकल रहा है यार मगर वैसी चोरी बदमाशी आखिर जो इमरान खान करप्शन की बात करता के हर तरफ करप्शन है खैर खुद भी करप्ट है लेकिन बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि हर तरफ करप्शन है और क्यों है आखिर यही एक मुल्क है जहां शुरू दिन से आपको सिवाय मजहब के और क्या पढ़ाया जाता है थोड़ी सी और चीजें पढ़ाई जाती हैं और कुछ नहीं मदरसे के बच्चों को वो भी नहीं पढ़ाया जाता वो कितने नेक और पारसा हैं और देखें जो हैं इस तरह it's, हल नहीं होंगे पोलिटिकल अगेन राइट मजहर कंपेयर भी किया हुआ कि दरसे निजामी में भी जितनी साइंटिफिक नॉलेज है वो भी मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती तो जो मदरसों का एक्चुअली करिकुलम था उस पर भी आ जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी बट uh, कहाँ कहाँ किस किस को बुरा इधर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन आजम यूनिवर्सिटी एंड लम्स वट आर द मेजर डिफरेंस एंड हाउ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कैन मैच द लेवल ऑफ प्राइवेट प्राइवेट में दोनों जगहों पे कुछ स्टूडेंट से बहुत इम्प्रेस था बहुत uh, कायद अजम यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने कोई टोटल सैंतालीस साल पढ़ाए 47 सेवन और लम्ब में मैं तो मैंने दो साल ही पढ़ाया लेकिन मुझे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मिले दोनों जगहों पे मगर जो एवरेज था कायद अजम यूनिवर्सिटी में वो ख़ासा कम था अच्छा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना तो उस वक्त तो लम्स था ही नहीं तो मैं 1973 की बात बता रहा हूँ उस वक्त हमारे काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने आगे जाके ठीक ठाक काम किया अब जबकि मैं देखता हूँ कायदे अजम यूनिवर्सिटी में तो मुझे जो लेवल नज़र आ रहा है वो चालीस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम है लम्स का मैं ये कहूँगा कि लम्स के, के स्टूडेंट हालांकि एवरेज के लिहाज से बहुत बेहतर हैं कायद एजम यूनिवर्सि आज के कैद एजम यूनिवर्सिटी से लेकिन उनमें एक अक्खड़पन है तो वो क्योंकि एक ऊंची क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं कि हम पैसा देकर कर यहाँ आए हैं तो हमारा हम टीचर्स को तो फिर वो टीचर्स को एक ख़ास नज़र से देखते हैं एक ट्रांज़ेक्शनल सा तल्लुक बना है वहाँ पर ठीक okay, है बट आई डोंट रियली लाइक इट लम्स के स्टूडेंट्स से मुझे ये शिकायत है कि वो चलिए कुछ को आप छोड़ दें तो, मतलब जिस तरह मेरे जैसे अच्छे हैं मेरे अलावा <laughs> जो हैं, वो <laughs> नहीं नहीं देखे ना लम्स के स्टूडेंट्स कुछ के दिलों में इस मुल्क का दर्द है कुछ के दिलों में है लेकिन बहुत से हैं जो करियरर्स हैं जो बस ये देखते हैं कि हम किस तरह से यहां से डिग्री लेकर भाग जाएं और फिर पैसा बनाएं और पैसा बनाकर यार फिर कुछ करो ना उन पैसों के साथ वो भी नहीं करते तो दूसरा ये कि मैंने उधर भी कोई ऐसा बड़ा शख्स अब तक निकलता हुआ नहीं देखा जिसने फिजिक्स के मैदान में या मैथमेटिक्स के मैदान में कोई कमाल दिखाया हो बेहतर हैं औरों से, जगह है, but not great. I think जो आप सत्र की दिहाई का जिक्र कर रहे हैं को गैन पाकिस्तान के कई मसले अगर हम उठाएं तो हक का उसमें एक रोल होगा अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं सकते अगर आप यू नो यू रियली कान टॉक अबाउट व्हाट्सिंग इन द कंट्री तो आपने स्टूडेंट्स पे तो ब्लैंडर लगा दिए ना सेवेंटीज़ में मैं भी देख रहा था अक्सर डिबेट्स और मैं शौक हो रहा था कि हमारे मुल्क के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो रही हैं ये इनका शहूर है ये लोग मार्क्स पढ़ रहे हैं डिबेट कर रहे हैं अगर हम वो बातें कर ही नहीं सकते स्टूडेंट यूनियंस बैन हो जाएंगे थोड़ी बहुत कोई बलोच स्टूडेंट छः वगैरह भी पढ़ ले तो उसको आप उठा लेंगे तो यस स्टूडेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड आल्सो फॉर ओनली फोकसिंग ऑन देयर करियर बट द स्टेट इज आल्सो लार्जली टू ब्लेम बिकॉज स्टूडेंट्स अगर करियर के अलावा कुछ वाकई पोलिटिकल फिलोसफी सोचे हैं तो वो मिसिंग हो जाएंगे हाँ बिल्कुल ठीक है यहाँ हम आज़ाद ख़्याली को तो एक ख़राब चीज़ समझते हैं ना हम समझते हैं कि वही स्टूडेंट सबसे अच्छा है जो माने जो बिना सवाल किए हुए मानता चला जाए ये हमारा हर ये ये स्कूल कॉलेज की बात है लेकिन ये तो पूरे माशरे के अंदर है तो भेड़ चाल भेड़ चाल वो चीज़ है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और इनफरादियत एक मायूब चीज समझी जाती है वी थिंक दैट इंडिविजुअलिटी इज समथिंग रॉन्ग जी तुम बेटी को माँ बाप कहेंगे कि तुम इससे शादी कर लो अपनी मर्जी से नहीं करो बेटों से भी यही कहेंगे तो हर चीज में आपको कंट्रोल किया जाता इसके बरक्स बाहर की दुनिया में एक फर्द की इनफरादियत को उभारा जाता है उससे कहा जाता है बचपन ही से कि सोचो अब उसके तजस को बढ़ावा दिया जाता है इसके नतीजे में पाकिस्तानी एक और किस्म के लोग बन गए हैं और दुनिया के बेशतर लोग दूसरे किस्म की बन गए हैं और ये नतीजे आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन जहां जहाँ पाकिस्तानी हैं तो मिसाल के तौर पर आप ब्रैडफर्ड चले जाएँ बर्मिंगहम में चले जाएँ जहाँ छोटे पाकिस्तान हैं या ईस्ट लंडन चले जाएँ तो उधर पाकिस्तानियों की का जो उठना बैठना उनकी आदतें हैं वो वैसे ही हैं जैसा कि यहाँ पाकिस्तान में है और तालीमी लिहाज से वो वैसे ही पसमानदा हैं जैसा कि हम पसमानदा हैं आप मुझे बताएं कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं अगर आप उनका मुकाबला करें बांग्लादेशियों के साथ या इंडियंस के साथ तो कौन आगे निकल गया है उन माश्रों के अंदर पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही पीछे होके रह गए किसी शोबे में उनका काम नहीं दिखाई देता आप ले लीजिए साइंस या एकेडमिक्स के किसी भी शोबे में या ये देखें कि जो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं उधर क्या इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं पाकिस्तानी सबसे कम दिखाई देते हैं तो इट इज एटीट्यूड दैट इज प्रॉबिक और वो एटीट्यूड अच्छा। है मानो 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 इतात और इस जो जो बंद दिमाग है ना ये वो वजह है कि आज हम पीछे रह गए और इमरान खान जैसे लोग इतने बड़े कल्ट फिगर्स बने ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये लोग वही हैं जो खुद तो जया हक के जनरेशन में बड़े हुए हैं तो अपनी फैमिलीज अब उसी पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं बहुत गालियां पड़ेगी मुझे इस बात पे बट आई डू फील ब्रिटिश इन पर्टिकुलरली आर द आउटसाइड आउट ऑफ ऑफ ऑल दर्स वो जो शरिया इन द के की मूवमेंट है उनमें से जाके किसी भी इंसान से पूछ लिया अब तालिबान आ गई है ना आप में से कोई मूव हुआ अफगानिस्तान आप लोगों ने इंग्लैंड छोड़ा तो आप जो इंग्लैंड में शरिया इन द यू रोते रहते हैं आप में से कोई एक इंसान भी अफगानिस्तान गया शरिया के लिए नहीं आ, क्योंकि आपने तो, वो वो डिग्री जी हाँ बिल्कुल ठीक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें उनको उस समाज के की आजादी का फायदा तो पूरा पूरा उठाना है लेकिन फिर जब आजादियां यहां देने की बात आती तो देखें वहां पर कोई कैद नहीं है कि आप मस्जिद बनाएं आप जाकर आप अपने बच्चों को भी अपनी मर्जी की तालीम दे सकते हैं अगर कोई आपको नौकरी ना दे तो आप उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ तासुब का इजहार हुआ है यू कैन टेक दैट पर्सन टू कोर्ट हर जाना आपको मिल जाएगा यहाँ तो जो हालत है हमारे हिंदुओं की या ईसाइयों की या सबसे ज़्यादा अहमदियों की तो वो जो बाहर के बैठे हुए पाकिस्तानी हैं कभी एक दफ़ा भी उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई है वो कहते हैं कि इधर तो शरीयत लगना चाहिए और ये जो हो रहा है पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है और देखें एक तरफ तो उनको उधर के मज़े उठाने हैं उधर सेकुलरिज्म को अच्छा कहना है क्योंकि उधर अगर एक मजहबी मुशरा हो ना तो सबको उठाकर बाहर फेंक दें पाकिस्तान वापस भेज दें लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तब उनके मुंह बंद हो जाते हैं मैं खुद मैक्रोन के सेक्युलरिज्म आइडिया के अगेंस्ट हूँ लेकिन जब आप रोते हैं कि जी फ्रांस में लड़कियों को तारफी पहना जा दि, दिया जा रहा और यहाँ जब मंदिर बनता है तब भी आपको गुस्सा आता है दोनों पोजिशन नहीं हो सकती सर क्योंकि आपने जिक्र किया है डेग्रेडेशन का ये कोई डेढ़ लोगों ने एक ही बात की है तो मैंने सोचा आप क्लैरिफाई कर दें लॉर्ड ऑफ पीपल थिंक कि आप एंटी हिजाब हैं इवन दो वो आइडिया आउट ऑफ कॉन्टेक्ट लोगों ने उठा लिया था सो प्लीज़ सर उनको क्लैरिफाई कर दें और बता दें कि आप एंटी हिजाब नहीं है एंड दैट्स नॉट यू मेंट हमने कभी अपनी बेटियों को हिजाब का दूर दूर का नहीं सोचा हम समझते हैं कि एक लड़की को वही आज़ादियाँ मिलनी चाहिए जो लड़कों को है कि उसकी शक्ल में कोई ऐसी ख़राबी नहीं है कि वो छप के छुपाए लेकिन अगर कोई हिजाब करना चाहे बुरका करना चाहे घर में बंद रहना चाहे तो रहे हमारा क्या है उससे वो करे लेकिन इससे उस लड़की की डेवलपमेंट रुक जाती है और आप देखें जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस उन है जो बाहर की लड़कियों में है क्या वो वैसी नौकरियां कर सकती हैं क्या वो उनके लेवल ऑफ अचीवमेंट हर शोबे के अंदर बहुत कम है बनिस्बत बाहर की लड़कियों के वो इसलिए कि उनको शर्मा हया सबसे उनसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात है शर्म अपना चेहरा दिखाना भी मायूब चीज है

वो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं पाकिस्तानी औरतें बहुत कम करती हैं आप आ, मुकाबला कीजिए कि इधर जो भी नौकरियां हैं जो भी अचीवमेंट्स हैं तो वो मर्द बहुत ज्यादा आगे हैं और वो इसलिए कि मर्द को पाकिस्तान के माशरे में आज़ादी मिलती है आज़ादी ज्यादा मिलती है बनस्पत औरत के वर्ल्ड अभी ना अब जब से वहाँ ये बात मानी गई है कि अगर आप एक समाज में आज़ादी नहीं देते तो बस फिर तेल ही पे गुज़ारा करना पड़ेगा और हमेशा तक ऐसे और हमेशा दुनिया आप पे थू थू करती रहेगी कि अरे ये ये हज़ार साल पहले के बुद्धू कहाँ से आए तो अब यूएई में सऊदी अरब में कतर में पूरे मशक़ वस्ती में एक ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है ये इसलिए नहीं आ रही है कि वहाँ समाज में कोई यका यक या एक नई सोच उजागर हुई है लेकिन उधर के हुकुमरानों ने ये देखा है कि हमारा तो अब कुछ भी नहीं बनेगा जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूरत इस बात यह कि उधर के आवाम को कुछ दुनिया के साथ हम आहंग किया जाए

बहुत सी तब्दीलियां आएंगी आप आप ये, देखें। ये जो शरीयत कोर्ट का आपने फैसला सुना फेडरल शरीयत कोर्ट का कि कि रिबा हराम है कि पाकिस्तान को सूद से पाक करना है 2027 तक यानी कि पांच साल के अंदर यहां सारे बैंकों को खत्म करना है फिर आपका क्या बनेगा अब और देखें ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लामिक बैंकिंग का उधर स्टिकर लगा दें या मजे की बात दे कॉल इट क्रेडिट कार्ड वीट नॉन सेंट इज और इसीलिए फेडरल शरीय कोर्ट ने कहा कि ये बंद करो इस बैंकों को इस सूद के निजाम को इस रिबा के निजाम को हम हराम समझते हैं तकी उस्मानी मौलाना तकी उस्मानी ने इसको खूब सराहा है

तो दैट्स ओके okay. तो हाउ डू यू टीच साइंस देखें ये साइंस दुश्मन मुआरा तो है इसमें कोई शक नहीं है और हमारे अंदर ये शुरू दिन से डाली जाती है और हमें ये बताया जाता है कि हमसे बेहतर हम मुसलमानों से बेहतर तो कोई है ही नहीं जो साइंस है वो हम ही ने ईजाद की और उससे आगे तो साइंस बढ़ी ही नहीं है जो थोड़ी बहुत हुई है वो इसलिए कि उन्होंने हमसे चुराया है गोरों ने हमसे चुराया है तो अब क्या सीखने की ज़रूरत है बेसिकली है तो हमारी ही चीज़ तो हमें अपनी चीज़ सीखने की क्या ज़रूरत है ये एक एटीट्यूड है लेकिन देखें इस मेरा ख़्याल है कि इतना हमें मायूस नहीं होना चाहिए अगर आप बच्चों को ठीक तरह से लॉजिक सिखाए और हिसाब मैथमेटिक्स सिखाएं उनको लिखना पढ़ना सही तौर पे सिखाएं और उनको किताबें दें तो ये ख़िलाफ़ इस्लाम नहीं समझा जाता लेकिन इससे दिमाग खुलता है और जब काफ़ी खुल जाता है तो फिर वो बच्चा नए नई सोच इख्तियार कर सकता है ज़रूरी नहीं कि करे, लेकिन इख्तियार कर सकता है तो साइंस देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ आ, बच्चे हैं कुछ नौजवान हैं अगर उनको एक्सपोजर मिले अगर आप उनको वो बुनियादी असूल सिखाएं, अगर आप उनको वो किताबें दें तो उनके अंदर कुदरती तौर पर वो सलाहियत है कि वो अगले लेवल तक जा सकें तो इतना भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए अलबतः अब तक सरकारी सतह पर कोई ऐसी तब्दीली मुझे नहीं नज़र आ रही है इमरान ख़ान के दौर में तो हम दो कदम पीछे चले गए थे अब देखते हैं कि ये जो नए लोग आए एक तो ये पता नहीं कब तक रहते हैं लेकिन ये क्या करने वाले हैं सिंगल नेशनल करिकुलम का और ख़ास तौर पर साइंस की टीचिंग का मेरा नहीं ख़्याल है कुछ ज़्यादा कर सकते हैं

And their science was top-notch as well. So even tact tactically, or strategically, liberal Islam or science go against each other, antithetical to each other, you're already alienating a large portion of the population because if they think this is how they're being brought to science by taking them away from Islam, they're not going to leave their madrasa system and be a part of their own echo chambers. मदरसों में जो कुछ भी आप करें वहाँ आप साइंस नहीं पढ़ा सकते सच्ची बात यह क्योंकि उधर जो जिस तरह का जहन चाहिए सवाल करने वाला जहन वो वहाँ हो नहीं सकता उधर पैदा हो नहीं सकता और इस्लाम की पूरी तारीख़ में मदारस से कोई ऐसा शख्स नहीं निकला जिसने मदरसे की तालीम को इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ दरियाफ़्त की हो ईजाद की हो जो मुसलमान साइंसदान थे मुफ़िर थे और जो नवी से लेकर तेरहवीं सदी तक जिनका दौर था वो सेल्फ़ टॉट जीनीस थे कुदरत की देन थी उनके बहुत बड़े बड़े दिमाग थे और उस ज़माने में जो खलीफा थे उनके दरबारों में हर किस्म के लोग आते थे जिसमें ईसाई भी थे यहूदी भी थे तरह तरह के और इंटलेक्चुअल एक्टिविटी को अच्छा समझा जाता था नई चीज ढूंढना अच्छा समझा जाता था खलीफा ज़ाहिर के इस्लाम के खलीफा थे लेकिन ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं ना ये तो आठ नौ सौ साल पहले की बात आठ नौ सौ साल पहले ये दौर खत्म हो गया उसके बाद से जो अंधेरा छा गया वो अब तक छटा नहीं है अब भी वैसा ही अंधेरा है अब आप आ... उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो कोई कुफर का फतवा लग जाएगा तो जैसा कि हम चलिए दोबारा हम एवोल्यूशन के ऊपर आते ये तो एक एक ऐसी चीज है जो बायोलॉजी की बुनियाद है उसकी एसास है जिसके ऊपर हर चीज खड़ी है ये नहीं है, आप कह सकते कि भाई दिस इज जस्ट अनदर थियोरी एवरी थिंग इन बायोलॉजी इज बिल्ड अप दैट जो पूरा डीएनए का सिलसिला है ये जो ये जो ख्याल ये जो हम जानते हैं कि नए नए इकसाम पैदा होते हैं जानदारों के मिसाल के तौर पर कोविड का वायरस ही ले लीजिए ना कोविड से क्या बना आगे ओमिक्रॉन बना ओमिक्रॉन से फिर उसकी कई किस्में निकली अब जो शंघाई में मुसीबत पड़ी हुई है वो एक और वेरिएंट है ये वेरिएंट्स क्यों पैदा होते हैं क्योंकि ये डार्विन के उसूल के मुताबिक अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो जो वायरस एक माहौल में फिट होता है वो फिर अपनी अपनी तादाद बढ़ाता चला जाता है इट्स अ प्लेन ऑब्वियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डार्विनिज्म। जो इसे नहीं माने ना माने तो मैं ये कहूँगा हाँ जो ना माने फिर वो वैक्सीन वैक्सीन भी ना ना लगाए, अब ये वैक्सीन की वजह से पाकिस्तान में बचत हो हो गई, अगर हम ना लगाते तो, ये खुद कहते है, है। तो बोलते यार, अगर आपको पता ही नहीं तो आप हाँ, क्यों वो सीमेंटिक लेके बैठ जाते हैं कहते हैं थ्योरी फैक्ट तो नहीं है ना लोग बोलते वाह वा, वा, वा. हाँ हाँ लेकिन देखिए ना इस इसमें कुछ तर्जुमे का मसला है क्योंकि <laughs> थियोरी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करें ना तो वो बनता है नजरिया नजरिया का मतलब ये है कि हाँ मेरी सोच ये तुम्हारी वो है हाँ मैं समझता हूँ ये तो तुम समझते वो हो लेकिन साइंस में नजरिया थेरी दरअसल एक बहुत ऊंचा मकाम रखती है जैसा कि थरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन थियोरी थियोरी ऑफ थी ऑफ स्टेलर एवोल्यूशन अरे भाई उस थियोरी तो वो वो एक पूरी इमारत है विच हैज अंप्लीट फ्रेमवर्क जिसको आप टेस्ट करते हैं और जिसको जिसमें जो खुले सवाल है वो आप उनके जवाब देते चले जाते हैं तो वो जो बेचारे ये समझते हैं कि थ्योरी कोई मायूब चीज है पर हम साइंस साइंस में तो बहुत फखर करते हैं कि कोई आ, कोई थ्योरी का मौजूद है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑन अ करिकुलम एट स्कूल लेवल हाउ टू क्रिएट अ साइंटिफिक माइंड हाँ बच्चों को आप ये ना कहें कि जो किताब के अंदर है वही तुम्हें जानने की जरूरत है उनके तजस को उभारें उनको उन उनको आप इनक्रेज करें कि वो नए नए सवाल करें और उनके जवाब को ढूंढें और जब वो जवाब ढूंढें तो उनको थपकी दें मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को खिलौनों के साथ छोड़ा जाए तो वो खुद बहुत कुछ जान लेंगे तो आप ये देख लीजिए कि जो सबसे अच्छी तालीम समझी जाती है दुनिया में लोग कहते हैं कि वो फिनलैंड में है स्वीडन में है नॉर्वे में है उधर बजाय इसके कि जखीम किताबें बच्चों के सामने रखी जाए उनको खिलौने दिए जाते हैं टीचर उनसे सवाल करती है टीचर उनको चैलेंज करती है कि इन ब्लॉक से क्या तुम ये बना सकते हो क्या ये पुलिस और लीवर्स हैं उनसे तुम किस किस्म के काम ले सकते हो वगैरह वगैरह तो वो क्योंकि बच्चे हम सब इंटेलिजेंट हम वी बिलोंग टू एन इंटेलिजेंट स्पीशीज तो हम इन तजर्बात से इन आजमदों से सीखते हैं साइंस टीचिंग उस तरह से होनी चाहिए ये और बात है कि हमारे यहाँ नहीं है फिनलैंड ऑल्सो इज एक्सपेरिमेंटिंग विद ओपन करिकुलम बच्चे बच्चे खुद अपना स्कूल करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं हम कितने पीछे हैं हैं गॉड uh, पूछ रहे आई वुड लाइक हिम टू थ्रो सम लाइट ऑन जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड द इन्फ्लेशनरी थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स हाउ विल वी बी एबल टू डिकीप इंटू द डीप वर्ड ऑफ स्पेस यूजिंग दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी हाउ इज दिस टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑप्टिकल रीजन में था जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रा में है जिस और इंफ्रारेड लाइट की ख़ासियत यह कि ये धुआं धुएं में से और आ, आ, डस्ट में से ज़्यादा आसानी से गुजर सकती है जिसका मतलब ये बना कि हम ज़्यादा दूर की कहकशाओं को देख सकेंगे जिसका मान जिसके माने ये हुए कि बिग बैंग के ज़्यादा करीब हम पहुंच सकेंगे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि मेरा ख्याल है कोई महीना पहले अपनी मंजिल पे पहुंच, या तीन हफ्ते पहले अपनी मंजिल पे पहुंच गया पहुंचते पहुंचते दो महीने लगे अब उससे डेटा मिलने लगा है इससे आने वाले वक्तों में हम बेहतर जान सकेंगे कि जो इन्फ्लेशनरी ईरा था कायनात का इन्फ्लेशन वो ज़माना था दिस वाज बिफोर टेन टू द माइनस थर्टी सेकंड्स के लगभग तो ये बहुत ही जो शुरू के लमात थे टेन टू द माइनस ट्वेंटी सेवन सेकेंड्स होगा चलिए तो ये जो बहुत शुरू के लमहत थे उसमें कायनात का फैलाव बहुत ज्यादा तेजी से हुआ था और ये इन्फ्लेशनरी दौर कहलाता a man of his intellect bear to work within our system i'm sure he must get numerous offers abroad <laughs> I'm 72 years old and I have no desire to leave the country. I am perfectly satisfied where I am and it's so good to talk to people like you. So why should I leave? If he was made uh, the head of Pakistan's HEA, what are the three things he would change and implement? Maybe she means HEC. HEC. Ah, -E no? Well, फर्स्ट थिंग इज़ टू चेंज दिस पॉलिसी ऑफ रिवॉर्डिंग पीपल बाई पेपर एंड देर पब्लिकेशनज एंड द नंबर ऑफ पी एच डीज देव प्रोड्यूस ये एक ऐसा काम था जिसने इस पूरे निज़ाम को बिल्कुल पीछे दहाइयों पीछे कर दिया है इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है फिर मैं ये कहूँगा कि जिस प्रोफेसर को भी आप अपॉइंट करते हैं प्रोफेसर क्या जो भी लेक्चरर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट फुल प्रोफेसर उसको चाहिए कि वो पब्लिक लेक्चर दे अगर वो अपने मजमून को आम फहम जबान में बयान नहीं कर सकता अगर वो बेसिक सवालत के जवाब नहीं दे सकता जो उसके मज़मून से मुताल हैं तो फिर वो इस लायक नहीं है कि उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने दिया जाए तो जो टीचर्स का चुनाव है उससे असर नौ बदलने की ज़रूरत है और जो तीसरी चीज़ है मेरा ख़्याल हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो रिसर्च कर सकते हैं उनकी तादाद बहुत कम है हर शोबे में लेकिन ख़ास तौर पर साइंस के मैदान में चुनाचे उन्हें बाकीों से अलहदा करने की ज़रूरत है उन्हें आ, कुछ जगहों के ऊपर मरकूज़ करना है कॉन्सनट्रेट करना है ताकि उन जगहों से कोई नई सोच नई साइंस जेन्यून असल की नई साइंस असल की नई सोच जन्म ले सके यानी कि हमें वैसी यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है जैसा कि बाकी दुनिया में है जैसा कि इंडिया में है या ईरान में है जहाँ एक्चुअल रिसर्च होती है जहाँ सिर्फ पब्लिकेशन से आपकी तरक्की नहीं होती तो ये तीन काम है जिस जिनको जिन पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है about his personal interactions with Dr. Abdul Salam. If I may add, John we were discussing earlier, obviously, the Pakistani who will speak about Abdul Salam, they will speak. But he was writing to the Quran and he used to that from Allah, you know, I'm inspired. So the fact that even he if metaphysically, uh, philosophically might claim that this is coming from God, but that doesn't in invalidate his work or, you know, change anything about the work itself. हाँ बिल्कुल ठीक यही बात उन्होंने मेरी इस किताब में भी लिखी मेरा खाली है और किताब इधर इधर ही है कहीं लेट्स सी किसी ने चोरी कर ली होगी मुझे, हो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है एनीवे आई एम श्योर किसी ने चुरा लिया मैंने उनसे पूछा था मैंने उनको कि चैलेंज किया कि प्रोफेसर सलाब आपने जो थे ईजाद की ये वही है जो स्टीवन वाइनबर्ग ने ईजाद की थी और वाइनबर्ग तो एथियस्ट है वो तो खुल्लम खुल्ला कहता है मैंने वाइनबर्ग से कोर्स भी पढ़ा था और ये बहुत पुरानी बात है सिक्सटी नाइनटीन सेवनटी की बात है तो वाइनबर्ग तो तो सलाम साहब ने इस पर इतफाक किया उन्होंने कहा कि हाँ एक ही है और उसकी इंस्पिरेशन मुख्तलिफ हो सकती है मगर कोई फर्क नहीं हो सकता एक और दूसरे साइंटिस्ट के काम में बट But... जिस तरह जो गजाली कर रहे थे बात कि हर चीज अल्लाह से आती है ही नॉट

अगर आप इस बात के कायल हैं कि बीमारी इसलिए होती है कि जरासीम है तो इससे फिर उससे बचने का रास्ता भी निकलता है ना वो बचने का रास्ता ये है कि आप सफाई आप जो भी उसके लिए दरकार है वो करें आपकी दुआओं से कुछ नहीं होगा इसकी वजूहत मादी हैं वुड नॉट नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट दैट दैट सौ फीसद बनता है हम कभी ये नहीं कहते कि अगर पत्थर को गिरना है तो उससे पहले हमें इंशाला कहना चाहिए हम कहते हैं पत्थर गिरेगा गिरेगा और गिरता है हाँ बीमारी आप किसी को हेपेटाइटिस देना चाहते हैं जस्ट यूज अ बैड नीडल ही विल गेट हेपेटाइटिस बेचारे का अपना कोई गुनाह नहीं होगा कोई उसने कोई खता नहीं की होगी ही विल गेट hepatitis और ही विल गेट एड्स बिकॉज these आर transmissible diseases. इसमें जरासीम वायरसेस बैक्टीरिया का अमल दखल है

इट विल बी सॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें हर हर माशरे में ऐसे हुआ है कि इस किस्म की सोच रही है यूरोप में 400 साल पहले अगर आप होते ना तो उस वक्त चुड़ैल होने के इल्ज़ाम में ढेर सारी औरतों को जलाया जाता था अरे भाई इस पे भी बड़ी ले दे हुई थी कुफर के इल्ज़ाम लगे थे कि आप लाइटनिंग रॉड लगा सकते हैं कि नहीं वो आजकल तो हर तरफ है फैसल मस्जिद पे भी लगे हुए हैं फैसल मस्जिद पे आप ना लगाएं तो बिजली जब किसी दिन वहाँ अगर गिरे तो मस्जिद तबाह हो जाएगी जैसा कि चर्चेस तबाह हो जाते थे अच्छा तो झगड़े इस पर थे कि आप लाइटिंग लाइटनिंग रॉड अगर लगाते हैं तो ये अल्लाह के कामों में मुदाखलत है आप उसके कामों में मोखिल हैं ये कुफर है ये क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन इक्विवेलेंट ऑफ कुफर था तो वक्त के साथ तो ये ठीक हो गया ना इसलिए कि जिनशूर लोग उठे उन्होंने कहा कि बंद करो इस फजूल बात को अगर गिरजाघरों को बचाना है चर्चेस को बचाना है पुट दोज ब्लडी लाइटनिंग रॉड्स दया इफ यू डोंट पुट दम देअर योर चर्च विल गेट डिस्ट्रॉयड जर्मनी में जिन चर्चेस के ऊपर लाइटनिंग रॉड्स नहीं थे वो बर्बाद हो गईं और जिन पर थे वो बच गईं। हालांकि ये क्रिश्चियंस के हवाले से अल्लाह का घर होता है सेक्रेड मुकद्दस जगह होती है तो देखें ये ये बड़ी है अच्छी बात है और इस बात की दलील है कि हमारी फ़िक्र में हमारी सोच में में इजाफ़ा हो रहा है तरक्की हो रही है कि दो साल पहले सऊदी अरब ने हज बंद कर दिया किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि अगर वहाँ जाते अगर वहाँ एक मिलियन दो मिलियन मुसलमान पहुंचते तो जिस तरह से कोविड उस वक्त फैल रहा था वो इतना ज़्यादा फैलता जब वो हाजी वापस घर जाते कि करोड़ों मुसलमान इसकी जद में आ जाते शायद अमवात भी करोड़ों में होती तो ये सऊदी अरब का मेरा है बहुत अच्छा फ़ैसला था अब और ये इस बात की दलील है कि हम वक्त के साथ सीख रहे सो लेट्स नॉट बी वो सीख रहे हैं सर so... हम हम तो नहीं सीख रहे हमारे यहाँ तो फतवे आ गए थे कि सऊदी वाले काफिर हैं इवन जब उन्होंने तरावियों के लिए मस्जिदें बंद की थी और हमने खोली थी हम प्राउड uh, हो रहे थे कि उन्होंने बंद की इमरान खान ने टीवी पे जाकर बोला कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में किसी एक मुसलमान को भी तरावी के टाइम कोविड नहीं फैला अब खुदा जाने ये कौन सा साइंस है जो ये प्रूव कर सकता है बट पीपल बिलीव डेट एंड दिस इज वेयर वी आर एटलीस्ट हाँ कि कोविड ये जो एपीडीमोलॉजी है ये एक इम परफेक्ट साइंस है और हमें ठीक तरह से पता नहीं कि कहीं पर कोविड का इतना ज़्यादा असर क्यों होता और कहीं पर इतना कम क्यों होता है ये वक्त के साथ पता चलेगा आप जैसा कि आप देख रहे हैं चाइना में इस वक्त करफ्यू लगा हुआ है शंघाई में बीजिंग में अल्लाह माफ करे काफी लोगों ने भी पूछा है वायर वी प्रोन टू कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड कार्ड इसमें आई जस्ट मे ऐड क्या आपको वाकई लग रहा है इमरान खान का जो करंट रेटरिक है इट्स इट्स डेंजरस एंड इट्स पुशिंग सोसाइटी टूवर्ड्स वायलेंस हाँ हाँ ही वॉन्ट्स वायलेंस जिस तरह के यहाँ इज्तम कर रहा है जो ये कह रहा है कि ये हम पर बाहर की थोपी हुई हुकूमत है कि एक बड़ी साजिश थी और उसके जो आ, आ, भोले पैरोकार हैं जो आ, जिनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है वो उनके पीछे चले जा रहे हैं तो ये कल्ट बन गया है और ये कल्ट तब बनते हैं जब जब आ, सोच की सलाहियत कमज़ोर होती है बुद्धू लोग वो एक कल्ट में शामिल हो जाते हैं जो सोचने समझने वाले हैं वो जान लेते हैं कि इसमें कोई हम नहीं चलिए आप बहुत सी बातें ले लें इमरान ख़ान की एक तो ये कि बाकी सारे लोग करप्ट हैं मैं नहीं हूँ मैं पारसा हूँ मैं नेक शरीफ सदक और अमीन हूँ अरे भाई अगर ऐसे होते तो कुछ ज़रा बताओ कि ये तोशा खाने की बात तो अब आई ना लेकिन इतने बड़े महल में रहते हो जिसकी कीमत तुमने तीन करोड़ रुपए बताई है तीन करोड़ जस्ट जस्ट गो लुक इट अप ऑन ऑन विकीपीडिया डिक्लेयर्ड वैल्यू इज थ्री करोड़ अब तीन करोड़ में आपको एक फ्लैट भी मुश्किल से मिलता है शायद मिल जाए और ये एक महल है पहाड़ के ऊपर है इलीगल था जिसको लीगलाइज किया गया सी पर दबाव डाल के तो अगर इतने सादक और अमीन हो तो बताओ कि ये कैसे हुआ ये बताओ कि जो, जो तोशा खाना का मसला है क्या ये ग़लत है अगर ग़लत है तो सबूत दो ये जो आजकल चल रहा है मैं उसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ जो फरा ख़ान बेगम है जो भी ये सारी चीज़ें लेकिन इससे बड़ी बात ये कि आपने जानते हुए ऐसे बदमाशों को टिकट्स क्यों दिए अपने पार्टी में जो इलेक्टेबल्स हैं आप कह रहे हैं कि ये गलत किया मैंने हुँ? अब कह रहे हो ना पहले क्यों नहीं कहा अब ये शौकत तरीन जैसे लोग शौकत तरीन जहांगीर तरीन है जिसका जहांगीर तरीनियर शौकत बाद में पता चला क्या झूठ बोल रहे हो क्यों अपने अतराफ में हर किस्म के चोर लफंगे को जमा करते रहे इसलिए कि वो जीत टिकट उस, उसको एक सीट मिल जाएगी तो अब जो निकी और जो कहता है सादिक और अमीन हूँ बहुत से सवाल का जवाब देना होगा आखिर तुम अपने अपनी जवानी में क्या करते रहे वहाँ पे आप सच्ची बात क्यों नहीं बताते हो आप हरे को आकर यहाँ लेक्चर देते हो कि नेकी ये चीज होती है अपनी जवानी के किस्से तो थोड़े सुनाओ अपने अच्छा और भी बहुत कुछ है मगर चलिए आगे चल कुछ है हमारे बारे में या कुछ हमें जिस तरह पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से हम मसाया कॉम्प्लेक्स में बिलीव करते हैं जिसकी वजह से हम कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं ये तो साइकोलॉजी भी हमें बताती है कि कमजन दिमाग जो होते हैं वो कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करते हैं बट यू फील दिस समथिंग अबाउट द वे वेर एजुकेटेड व्हिच मेक्स अस अ लॉट व्हिच मेक्स अस अ लॉट मोर प्रोन टू बिलीविंग और ट्रस्टिंग मसाया कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल बिल्कुल वाजे है क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज समझी जाती है ना वो है मानो 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 इतात ये हमको स्कूलों में बताया जाता है सवाल मत करो और अगर करोगे तो फिर तुम हम में से नहीं हो अच्छा और ये कि देखिए इस इसमें मैं समझता हूँ कि दो लोगों ने इस मुल्क को बड़ा एक्सप्लॉयट किया है एक जोल्फ़ार अली भुट्टो था उसने झूठ बोला कि मैं हारे को रोटी कपड़ा मकान दूंगा मैं यहाँ पर जागीरदारी ख़त्म करूँगा जबकि खुद सबसे बड़ा जागीर था और एक मुरबा भी एक एकड़ भी उसने नहीं दिया उसने कहा मज़दूरों से कि ये फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो जाएंगी जब उन मज़दूरों ने एहताज किया और ये 1970 की बात है तो उन पर सेवेंटी वन की बात हाँ लांडी में फिर मलीर में उन पर गोलियां चलवाई तो जिस तरह से जुल्फार झूठ बोलता था उससे ज्यादा झूठ इमरान खान बोलता चला आ रहा इतने यू टर्न किए अल्लाह माफी दे मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा तीन महीने बाद आई के पास चला गया और भी बहुत कुछ मगर इमरान्स यू टर्न्स तो मे बी ए सिक्स आवर पॉडकास्ट डू यू आल्सो फील एब्राहीमिक रिलीजियंस इन पर्टिकुलर आर प्रोन टू मसाई कॉम्प्लेक्स वेल एब्राहीमिक रिलीजियंस हैव Grown weaker बट यस अह आप देखें के कल्ट बिहेवियर तो नहीं मेरा मेरा हाल है कि कोई इस पर ऐसा डेटा नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि जो जापान में शिनको कल्ट था जिन्होंने वो सबवे में जहरीली गैस का हमला किया था वो इब्राहमिक कल्ट नहीं है आम, और तो मेरा है कि इस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता जब तक के सही रिसर्च नही डेटा बेकेट का वेट दट मोजसम For a messiah to come, which is what the claim certain people make is. What are the implications of the latest observations made in the detection of gravitational waves? Just uh, uh -huh. maybe uh -huh. uh -huh. so uh, a Pakistani involved thing, Khatun. Again, brilliant woman. He's, 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 he. And uh, she's um, excellent, of course, but one member of a big, big team. That team is 2,000 people. र इन्वॉल्व इन द लाइगो एक्सपेरिमेंट, लाइगो के अब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शंस अब आप समझ लीजिए कि रूटीन हो गया क्योंकि इतने ब्लैक होल्स अब टकरा रहे हैं आसमान में पहले भी टकराते थे, थे लेकिन अब क्योंकि इस इक्विपमेंट को फाइन ट्यून किया गया है तो अब uh, ये हमें पता चल रहा है कि कोलाइडिंग ब्लैक होल्स इज़ नॉट अनयूजल लेकिन फिर भी अब आ, हमें इसमें ये, ये काफ़ी नहीं है जो लाइगो एक्सपेरिमेंट है अब स्पेस में एक ग्रेविटी वेव डिटेक्टर नस्ब किया जाएगा जिसमें तीन स्टेशंस होंगे और इनके बीच में कई लाख किलोमीटर का फासला होगा और ये कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो आने वाले वक्तों में ये होगा इससे उम्मीद है कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो सकेंगी जो बिग बैंग के वक्त निकली थी दैट दैट इज समथिंग दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स ऑफ ब्लैक होल एंड व्हाट वुड हैपन इफ वी वर एवर एबल टू सॉल्व इट हां तो ये एक थ्योरेटिकल uh, फिजिक्स का बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरती है तो क्या उससे वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़त्म हो जाएगी या हॉकिंग रेडिएशन को देखकर हम उस इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना है कि इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं होती तबाह नहीं होती वो अपना रूप बदलती है मगर ज़ाया नहीं होती अब ये एक मेरे ख़्याल में खुला सवाल है आ, लगता ऐसे है कि इन्फॉर्मेसन ख़त्म नहीं होती कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं और कोई ऐसा पैराडॉक्स नहीं है लेकिन हर प्रूफ में कोई ना कोई असमशंस uh, डाले गए हैं चुनाचे ये जैसा कि मैंने कहा कि एक खुला सवाल है इट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ रेलेटिविटी लेम लेकिन विच थ्योरी ऑफ रेलेटिविटी एक तो स्पेशल theory ऑफ relativity है जो कि आधे घंटे में समझाई जा सकती है एक है जनरल थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी जो आ, टेंसर कैलकुलस मांगती है और जिसको समझाने के लिए आपको एक पूरा कोर्स पहले पढ़ाना होगा तो अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी है मैं यहाँ दो मिनट में तो नहीं बता सकता लेकिन मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर स्पेशल रिलेटिविटी पर और ये इंग्लिश में भी हैं उर्दू में भी है अगर आपको दिलचस्पी है तो आप जाकर देख लें वहाँ पर आस्कम अबाउट द स्टेट ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान हाउ केन इट बीम्प्रूव वट न्यू टीचिंग मैथड्स कैन भी अडोप्टेड रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट सेम ही सवाल किसी ने फिजिक्स के बारे में भी पूछा था हाँ मैथमेटिक्स के बारे में तो मेरा दिल रोता है देखिए मैथमेटिक्स क्योंकि कमज़ोर है तो फिर फिजिक्स भी कमज़ोर होती है मैथमेटिक्स को बेहतर कैसे बनाया जाए वेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये काफ़ी नहीं होता कि कहीं कोई उपको बता दे और कह के इस तरह से फैक्टर करो प्रूफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है अब आप देख लीजिए मैं अपने स्टूडेंट से पूछता था कायद अजम यूनिवर्सिटी में वो जो एम एस सी फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिल हो चुके थे कि बताओ एक ट्राइंगल के एंगल्स की जमा 180 डिग्रीज क्यों है अब ये वो चीज़ है जिसको एक बहुत खूबसूरत प्रूफ के जरिए से साबित किया जा सकता लेकिन तीस की क्लास में से तीन भी नहीं थे एक था जिसको हर चीज पता थी लेकिन एक था जो बहुत ब्राइट था और एक था जो कुछ कुछ पढ़ता था लेकिन बाकियों को दे कुड़ नॉट प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 एटी डिग्रीज अगर मैं किसी मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट चला जाता आज भी चला जाऊँ कायद अजम यूनिवर्सिटी में और वहाँ एक बी एस सी स्टूडेंट से पूछूँ उससे कहूँ प्रूव टू मी दैट रूट ऑफ टू नॉट बी रिटर्न एज रैशनल नंबर अब ये वो चीज़ है जो जो पाइथैगरस ने दरियाफ्त की थी पाइथैगरस के एक स्टूडेंट ने दरियाफ्त की थी ढाई हज़ार साल पहले दैट रूट टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर लेकिन प्रूफ इन्हें नहीं आता गर्ज यह कि जब तक आप मैथमेटिक्स में प्रूफ्स नहीं करते आप मैथमेटिक्स सीख नहीं दे सकते मैथमेटिक्स इज नॉटेक् वाई आंट मेनी पाकिस्तानी इज गेटिंग एडमिशन टू प्लेसेज लाइक एम आई टी हार्वर्ड कैम्ब्रिज एज कंपेयर टू इंडियन चाइनीज और इवन बांग्लादेशी इरानियंस हाँ ये वही बात है ना कि बैड एजुकेशन अब जो चाइनीज़ हैं और इंडियन्स हैं इनकी जो स्कूल एजुकेशन है वो इतनी अच्छी है कि ये कि आ, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ऐसे स्टूडेंट्स को दावत देती हैं अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तादाद देखें एम में स्टैनफर्ड कॉर्नेल जहाँ जहाँ तो पाकिस्तानी आपको शाह व नादिर नजर आएंगे ज़्यादा चाइनीज और उसके बाद इंडियंस और उसकी वजह यह है कि जो उनको तालीम मिलती है हाँ वो स्कूलों में हो और बावजूद इसके कि ये बिकन हाउस और एच एस एन और ग्रामर स्कूल जैसे स्कूल्स हैं वहाँ भी बड़ी कोई ख़ास अच्छी तालीम नहीं है लेकिन जो आम स्कूल हैं वो तो बिल्कुल ही फटीचर हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटियाँ देखें तो लम्स हैं उससे कुछ स्टूडेंट्स चले जाते हैं उनको ग्रेजुएट स्कूल में दाखला मिल जाता और कुछ अच्छे स्टूडेंट्स गए हैं लम से काद अजम यूनिवर्सिटी से पहले जाते थे अब वो तादाद बहुत कम हो गई सो द लेस वी अचीव एट होम the fewer are the chances of getting admission overseas This legacy also help ke agar koi ek pakistani jaye aur koi bade teer maar le ya koi top maar le so then university would look at more pakistanis more leniently ha uh, ye baat sahi hai um, um, लेकिन देखें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ है अगर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो जी देना बहुत ज़रूरी है तो जो भी इस वक्त आपके लिसनर्स हैं प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर जी आर ई एग्जामिनेशन दे आर इम्पोर्टेंट अच्छा उसके बाद फिर रिकमेंडेशन्स वो तो टीचर से आपको मिल जाते हैं लेकिन अब मसला ये बनता है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं उनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है वो रिकमेंडेशन सही नहीं लिख पाते 90% ऐसे हैं 10% ऐसे नहीं हैं उन 10% के पास आप जाएं जो रिकमेंडेशंस लिखना जानते हैं आम और क्या हो सकता है टेम्पलेट्स हाँ। कॉपी पेस्ट कर देते हैं टीचर्स तो यहाँ ऑनलाइन रिकमेंडेशन टेम्प्लेट उठाकर उसमें नाम बदल के भेज देते हैं उफ और ये चीज नहीं चलती क्योंकि जो बॉयलर प्लेट जो टेम्प्लेट रिकमेंडेशन है ना वो कभी काम नहीं आती जब तक आप किसी को जानते ना हो जब तक आप कोई खास चीज उस शख्स के बारे में ना कहे तो कोई इससे बात नहीं बनेगी आसिम पूछ रहे हैं क्या यह मुल्क कभी इंपॉर्टेंस और साइंस समझेगा मेरी तरफ से तो ना है वैसे <laughs> आ देखें मुल्क कुछ थोड़े हैं मुल्क के अंदर लोग हैं ना हुँ. तो लोग हाँ हाँ कहीं कहीं आपको नज़र आते हैं जो बहुत दिलचस्पी लेते हैं अच्छा तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने यहाँ इस्लामाबाद में एक छोटा सा इदारा शुरू किया है द ब्लैक होल के नाम से और वहाँ जो सुनने वा सुनने के लिए आते हैं वो बज़ दफ़ा बड़े अच्छे सवाल करते हैं और बहुत शौक़ का इजहार करते हैं अभी तो हमें अब ये गुजशत दिनों में तो रमज़ान की वजह से बहुत कब लोग आ रहे थे लेकिन ईद के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे और ऐसे जो अपने सवालों से ज़ाहिर करेंगे कि हम इस शोबे के बारे में जानते हैं पढ़ते हैं और अच्छे सवाल करने की अहलियत रखते हैं तो इन लोगों से फिर मुझे ज़्यादा उम्मीद होगी और मैं समझता हूँ कि जहीन लोग हम में बहुत हैं पाकिस्तानियों में इसी से रिलेटेड किसी ने पूछा था और जो लोग सुन रहे हैं प्लीज ब्लैक होल की वेबसाइट देखें देखें सारे इवेंट्स जो जो इवेंट्स कर चुके हैं उसकी सारी डिटेल्स मौजूद ज्वाइन करें सपोर्ट करेंटेड इन द गवर्नमेंट स्टार्टिंग फॉर ब्रिंगिंग अप साइंस आई थिंक चाइना डज दिस काफी लोगों ने यह भी जिक्र किया था कि उनको याद है उन्होंने आपको बचपन में पीटीवी पे देखा था तो लोगों ने आप को बुलाना छोड़ दिया है या ये ही एक जनरल इंटरेस्ट एजुकेशन कंटेंट बनाने में लोगों का ख़त्म हो चुका है नहीं मेरा ख्याल शहज़ाद उनका जो इशारा है ना वो पॉपुलर साइंस सीरीज की तरफ है बज़म कायनात असरार जहाँ आम फहम जबान में मैंने साइंस की असूल आज से तीस चालीस साल पहले सुनाए थे बताए थे और अच्छा असर पड़ा उसका उस जमाने में आप एडिट नहीं कर सकते थे कंप्यूटर पे उस जमाने में आपको जाना था जाना होता था पीटीवी और पीटीवी हमें रात 12 बजे के बाद वक्त देता था एंड इट वाज हेल मेकिंग दोज वीडियोस दो तीन मिनट की वीडियो अगर एक रात में बन जाए ना तो बहुत बड़ी कामयाबी होती थी और इस तरह मेरे साल गुजर गए ये करते करते लेकिन अब आसान हो गया अब वीडियोस बन सकती हैं और साइंस की वीडियोस अच्छी बन सकती हैं अब एक है सलमान हमीद के नाम से वो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं एस्ट्रोनॉमी पे ऐसे ऐसी वीडियोज़ और लोगों को बनानी चाहिए आजकल कोई मुश्किल काम है ही नहीं बस आप कैमरा कैमरा के सामने खड़े हो जाएं और कोई आ, जो फैक्ट्स हैं वो, वो बयान करें और फिर बैकग्राउंड में तस्वीरें लग सकती हैं पहले तो बहुत ही मुश्किल काम होता था अब तो ये बहुत ही आसान हो गया इसीलिए तो सर स्टूडो साइंस इतना ज़्यादा फैल चुका है जो पॉपुलर साइंस के नाम पे रैशनैलिटी के नाम पे कुछ चैनल्स हैं अगर मैं आपको भेज दूँ तो मना ही कर देंगे कि ना ही बनाओ इससे बेहतर हाउ डिड इकबाल अहमद इन्फ्लुएंसर्स थिंकिंग हाउ डिड ही हाउ डिड इकबाल अहमद इन्फ्लुएंसर्स थिंकिंग भाई देखिए इकबाल अहमद अह वाज Somebody who was an inspiration to generations and I was fortunate enough to meet him to have met him at a very early stage in my life जिस वक्त वो वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा कर रहे थे अमेरिका में और फिर जिस तरह वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो वो काज़ तो फिर मेरे अपने ही काज़ बन गए सिर्फ उनकी वजह से नहीं और सिर्फ आ, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ चंद लोगों की वजह से लेकिन उस ज़माने में जो एक अमूमी माहौल था वो भी आ, ऐसा था कि उसके जंग के ख़िलाफ़ था तो इकबाल उस लिहाज से तो उन्होंने हमारी रहनुमाई की लेकिन जो मैंने बात उनसे सीखी ना वो ये कि आपको अपने मुखालफन की बात समझने की ज़रूरत है और उसको दलील से पहले मुस्तरद करना होगा और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी उनसे कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दैट आई थिंक इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वन कैन लर्न फ्रॉम समवन वट लेटम अवे फ्रॉम मार्क्सिज्म ने यह भी पूछा था कि आप अपनी बेटी की से क्यों हैं? और उनको मैंने ये जवाब दिया था कि ये तो अच्छी बात है ना मतलब करें हाँ तो देखो हम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते बाप बेटी का जो ताल्लुक होता ना वो उससे ज्यादा का होता अब मैं मार्क्सिस अपने आप पहले मैं अपने आप को मार्क्सिस कहता था लेकिन अब नहीं कहता हूँ और उसकी वजह ये कि मार्क्सिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन द दर्ल्ड मार्क्सिज्म उस जमाने की, की पैदाइश है उ, उस जमाने में जन्म लेता है जब uh, समाज बहुत सादा था सिर्फ एक तरफ मज़दूर तबका था दूसरी तरफ सरमायादार और इनकी चपकलिश इनकी इनके जो तजादात थे वो फिर समाज को आगे चलाते थे लेकिन आज का समाज जो है वो इस तरह से दो तबकों में तकसीम नहीं हो सकता नहीं ही की वो शक्ल है जो आज से सौ साल पहले थी दो सौ साल पहले थी मार्क्सिज्म का ये कुलिया के सिर्फ़ इंसान की सोच उसकी ज़रूरियात और मादी हालात की वजह से पैदा होती है कि इट्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच डिटर्मन योर कॉन्शियसनेस मैं उस चीज़ को नहीं मानता अब आप ये देख सकते हैं कि मज़दूर तबके में भी बड़े रिएक्शनरी लोग हैं कुछ प्रोग्रेसिव हैं कुछ रिएक्शनरी है दोनों का एक ही ताल्लुक़ है जराए पैदावार के साथ तो ये बहुत ये वक्त नहीं है मैं आपको बहुत तफसील से बता सकता हूँ कि मैं मार्क्सिज्म के साथ अब क्यों इतफाक़ नहीं कर सकता अलबा मैं ये कहूँगा कि मार्क्स एक बहुत अजीम मुफक्र था उसका बड़ा गहरा असर हुआ समाज उपर, ये के ऊपर और यह कि उसका जो एक बुनियादी कुलिया है कि समाजी इंसाफ होना चाहिए उससे मैं इतफ़ाक करूँ हाउ इलीट कैप्चर इज इम्पैक्टिंग साइंस इन पाकिस्तान हाउ इलीट कैप्चर के इलीट्स ने पूरी सोसाइटी को कैप्चर किया हुआ एलिट कैप्चर एंड सोसा एंड साइंस का तो कोई बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं है एलिट कैप्चर का ये कि माल दौलत उन्होंने हाथ हथियाया हुआ है अपने कब्ज़े में किया हुआ है उस मगर देखें ये एलिट कैप्चर ऐसा है कि इनको सिर्फ़ दुकानदारी और ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त और कमीशन से अपना उन्होंने माल इकट्ठे किया या जैसा कि फ़ौजी हैं उनको मुरबे मिलते हैं आ, किसी को लाइसेंस मिल जाता है वगैरह तो कहीं पर प्रोडक्शन की बात नहीं आती ये नहीं कि इस एलिट ने कोई यहाँ पर नई सनतें लगाएं कोई नई इजादात हैं इनकी तो ये वो कैपिटलिज्म नहीं है जो मगरब में होता था और जो प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म था ये इलॉन मस्क वाला नहीं है पाकिस्तान मेक आई आई टी सीधी सी बात है हमारे पास लोग नहीं हैं आप बिल्डिंग है वैसे ही खड़ी कर दें जैसे आई आई टीज़ की हैं तो आई आई टीज़ में मैं गया हूँ उनकी बिल्डिंगे कोई ऐसी अच्छी नहीं है बहुत ही थर्ड क्लास हैं उनकी लैब्स में भी वैसा इक्विपमेंट नहीं है जैसा कि हमारे यहाँ है लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को कोई मानता ही नहीं है आई आई टीज़ का इतना बड़ा शोरा है क्यों इसलिए कि उधर के टीचर्स और उधर के स्टूडेंट्स बहुत खास हैं आप जरा देख लीजिए कि आईआईटी में दाखले के लिए किस किस्म का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है ऐसा टेस्ट जो हमारे 95 परसेंट फुल प्रोफेसर फेल हो जाए अगर वो आईआईटी के अंदर दाखला लेना चाहें हमारे फुल प्रोफेसर

जिन के जिन्स का मुझे पता नहीं व्यूज ऑन बीजेपी हाँ सो so दैट्स और जो anti science इंडिया में जोर पकड़ रही है वो इंडिया के लिए बड़ी खतरनाक है तो उधर भी अंट ये आ, हर किस्म की एंटी साइंस है जैसा कि एक जमाने में यह सोचा गया था कि प्रभु गणेश लॉर्ड गणेश कि वो अपनी जो एक हाथी नुमा खुदा है देवता हनुमान तो नहीं हनुमान नहीं हनुमान तो बंदर की तरह है ना ये गणेश जो है यह, यह हाथी है और ये अपनी सूंड से दूध पी रहा था तो एक दफा ये देखा गया कहीं तो उसके बाद तहलका मच गया अच्छा हुआ ये था कि जिस मटेरियल से वो बना हुआ था वो असल में ऐसा था कि कैपिलरी एक्शन से दूध ऊपर गया तो उसको फिर पता नहीं मूर्ति कितनी बड़ी थी इतनी थी या इतनी थी खुदा जाने मगर एक दफ़ा ये बात मशहूर हो गई ना तो फिर सारा हिंदुस्तान जो है बिल्कुल इस चक्कर में आ गया दिल्ली में ट्रैफिक बंद हो गई लोग मंदिरों को भागे तो दिस देर दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस देर एज़ वेल लेकिन फ़र्क ये है कि शुरू के दिनों में नेहरू ने इंडिया को एक डगर पे लगा दिया कि इधर साइंस वो चीज़ है जिससे इंडिया आगे बढ़ सकता है और जो आई है और जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स है टी वगैरह ये नेहरू के होते हुए बने अफसोस के पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं था मशूर قائد اعظم जिसने साइंस को एक जरूरी चीज और एक एक दाई अहम चीज करार दिया सर आपने नेटफ्लिक्स पे मिडनाइट मास देखा आई फील लाइक दैट्स अ शो यू विल रियली लाइक अच्छा uh, मुझे लिंक भेज दे मैं uh, काफी पेरेंट्स ने पूछा है मैं क्लब करके

और बच्चों को भी लेक्चर्स में बिठाते हैं ख़ुद भी बैठते हैं वो बच्चों को होम स्कूलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम जिस स्कूल में भी, भी भेजते हैं तो उसमें उधर अंडशंट पढ़ाई जाती है अब वो वालदे जो ये कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और मगर ये, ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं क्योंकि आप आखिर बच्चों के साथ कितना वक्त गुजार सकते हैं होम स्कूलिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी मैंने इसकी कामयाब मिसालें देखी हैं बट इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स ग्रेट सेक्रीफाइस बाय द पेरेंट्स और इसका ये थोड़ा सा ये नुकसान है बहुत ज़्यादा भी नहीं है इसे भी बचा जा सकता ये कि वो बच्चे जो होम स्कूलिंग करते हैं उनके उनकी दोस्तियाँ फिर आ, कम होती हैं

You know, if you say that I'm not going to die until I'm 172, then uh, you can do the necessary preparation. <laughs> Allah, Allah, apko lambi de, sir. Thank you so much for all your time. Uh, hopefully, But thank you so much, sir. It's always such a pleasure to learn from you. Enjoy talking to you. Thank you, sir. And thank you for listening. Take care. Bye bye.